कॉन्ग्रेचुलेशन सर आर्टिकल 15 के लिए, जितना कि जो कि अगर सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं अभी देख रहा था कि 8 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं ट्रेलर को, अच्छा सिर्फ ट्रेलर को 8 मिलियन लोगों ने देख चुके हैं लोग। वाह, 8 मिलियन मतलब 80 लाख, 80 लाख, वाह क्या बात। ये जो सर मतलब फिल्म रिलीज होने में जो है अभी मतलब 28 अभी कुछ दिन और कुछ कल या कुछ घंटे हम कह सकते हैं, लेकिन जो 8 लाख लोगों ने देख लिया है, 80 लाख लोगों ने हाँ। ये क्या फील करते हैं आप यार? ये तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब इसका मतलब ये है कि फिल्म ऑलरेडी जो है चर्चा में है, तो मतलब ये साइन है कि मतलब लोग जो हैं जो एक पर्पस होता है पब्लिसिटी का, पीआर का, के फिल्म को मतलब लोगों में एक उत्सुकता जगे, लोगों को एक क्यूरियोसिटी जागे, और उसका मकसद यही होता है कि लोगों को हॉल तक लाए, वो पर्पस उनका कामयाब है। अब लोग आए और देखें तो मतलब अगर उनको पसंद आए तो मतलब बस बल्ले बल्ले। वो तो है सर, लेकिन सर मैं आपके कैरेक्टर के बारे में डेफिनेटली जानना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से सर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, जितना मैंने ट्रेलर में देखा, जितना मैंने रिव्यू पढ़ा, तो ये कैसे देखते हैं सर आप इस तरीके की फिल्म को आप कैसे देखते हैं कि इंडियन सिनेमा में इस तरीके की फिल्मों को और आनी चाहिए, या फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं रिलीज नहीं होने देंगे, तो इससे डर कर मेकर्स को डर जाना चाहिए, आप बताइए सर। नहीं नहीं भाई, क्यों डर जाना चाहिए यार? ऐसे लोग जो हैं असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल हैं, जो लोगों ने ये समाज की दुर्दशा बनाई है, वो लोग ऐसी दुर्दशा बना के ऐसी दुर्दशा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिन्होंने ये दशा बनाई है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वरना तो समाज की दशा ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, वरना ऐसी फिल्में तो वेलकम होनी चाहिए समाज में, और ये फिल्म बने, ये फिल्म चले, और इससे और लोग एनकरेज हों, और भी ऐसी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, और भी ऐसी सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, बुराइयाँ हैं, उन पे फिल्में बने, लोग देखें और जागरूक हों, तो मैं तो कहता हूँ कि ये फिल्म चलेगी तो उससे और भी एनकरेज होंगे, और भी फिल्में बनेंगी, और मकसद यही है एंटरटेन हों लोग, और साथ के साथ लोग जागरूक भी हों, देखें भी उनको। सर ट्रेलर में मैंने देखा आपका एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर, थोड़ा सा अगर आप बता सकें और थोड़ा सा कि आप एक सर्किल ऑफिसर है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, जो कि है सिस्टम जो हमारे यहाँ जैसे सिस्टम होता है उसका सिस्टम का हिस्सा है, और जैसे बाहर से एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं आयुष्मान खुराना साहब, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके देखते हैं ये अपना स्मॉल टाउन में जहाँ चौकी में जहाँ इनका ट्रांसफ़र हुआ है, और वहाँ के देखते हैं कि जैसे जैसे जो जो चल रहा है कि भाई FIR लिखने में भी देरी हो जाती है या टाइम पे नहीं लिखी जाती है, और फिर जो लोग कंप्लेंट लिखवाने आते हैं उनके सुनवाई में भी मनमर्जी से टाइम पे काम होता है या नहीं भी होता है, तो ये वहाँ पे जो हैं ये हैं, और ये उनसे कहते हैं कि ऐसा ही होता है, इन लोगों का ऐसा ही है, तो वो और ये जो नए आए हैं इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनका कहना है कि भाई कार्रवाई टाइम पे होनी चाहिए, और इनका कहना है कि भाई आपको नहीं पता है यहाँ पे ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है, हम लिख देंगे बाद में ये बोलेंगे जी गलत लिख दिया, हमारा तो बंदा मिल गया, तो वो जो है वो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसी की लड़ाई है, और उसी को किस तरह से उसी सिस्टम से किस तरह से हमारे जो प्रोटेगनिस्ट हैं आयुष्मान खुराना वो लड़ते हैं और किस तरह से उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसी के बारे में ये फिल्म है। सवाल सर थोड़ा सा पर्सनल है कि लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मानते हैं जाति धर्म के नाम पे, जैसा कि ट्रेलर में भी है फिल्म में भी थोड़ी सी है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि जो जाति धर्म के नाम पर लोग बातें करते हैं, इस जाति धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो ब्राह्मण, मैं तो पंडित, मैं तो फलाना, मैं तो ढिमकाना, इन सारी चीज़ों में आप कितना बिलीव करते हैं? यार मेरा तो
कभी किसी ऐसी चीज़ में मानना रहा ही नहीं। मैं तो सही मायने में कभी किसी इसी चीज़ पे बिलीव किया ही नहीं हूँ। और शहरों में मैं तो पला हूँ, और मेरे जो फादर थे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बिलीव नहीं करते थे। हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में देखते तो हैं ही है ज़रूर। अपने यहाँ जब देखते हैं, जैसा कि हमारी फिल्म के अंदर भी डायलॉग भी है कि भाई हमने अपनी माँ को या अपनी नानी को कई बार देखा है कि नौकर के बर्तन अलग रखते हुए, ये कई चीज़ें हमने देखी तो है ही हैं। तो लेकिन पर्सनली आपने मुझसे पूछा तो मेरे लिए तो कभी कोई ऐसा कोई फ़र्क कभी रहा नहीं ज़िंदगी के अंदर, ना ही मैंने कभी माना, ना ही मैं कभी किसी उस ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी ऐसे रिलीजन या उस चीज़ को कभी कोई फॉलो करता हूँ। सर फिल्म पर आते हैं, सर आप हैं, आयुष्मान खुराना है और भी ढेर सारे लोग हैं फिल्म में, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप हैं एंड आयुष्मान खुराना है, एक जो बात मैंने नोटिस की आपके बारे में, आप जो है सलमान खान एक्टर के साथ में काम करते हैं, आप जो जो यूथ आ रहे हैं, चाहे टाइगर श्रॉफ की मैं बात करूँ और आयुष्मान खुराना की बात करूँ, तो ये जो यूथ आ रहे हैं सर इनके साथ में, आप ये इस यूथ जनरेशन को कैसे देखते हैं सर आप, और इन आयुष्मान के साथ का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा यार, और मेरे को ये लगता है कि ये जो यूथ है और नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और मानना पड़ेगा कि इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि आप देखिए कि बैक टू बैक दो फिल्में सक्सेसफुल हुई, अंधाधुन बधाई हो, उसके बावजूद ये आदमी जो है सेट पे आता है आके, उससे पहले तो ये आदमी जो है अनुभव सिन्हा से कांटेक्ट करके उसको बोलता है कि मैं एक इंटेंस फिल्म करना चाहता हूँ डिफरेंट जॉनर की। उसके बाद ये आदमी जो सेट पे आता है तो इस आदमी को देख के आप कह नहीं सकते कि ये आदमी अभी बैक टू बैक दो फिल्में जो हिट करके उसमें से बधाई 100 करोड़ वाली फिल्म करके आया है, इसको देख के बिल्कुल आप कह नहीं सकते। आता है सेट पे बिल्कुल अपनी लाइनें वाइनें याद करके फोकस्ड है, अपना काम करता है चुपचाप, हंसी मजाक करता है और अपना चला जाता है रेडी होके, बिल्कुल कोई हवा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई ऐसी स्टार वाली बात नहीं है, और काम पे ध्यान है कोई बात नहीं है। तो इतना कुछ आपको देख के लगता है कि ये जनरेशन अपने काम से सेम, अगर आप उधर देखते हैं टाइगर श्रॉफ को भी देखते हैं, टाइगर श्रॉफ 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहा है, उसका कुछ और कोई सर्कल ही नहीं है, उसका ट्रेनर है, उसका योगा वाला है, उसका फाइटर है, उसका जिमनास्ट वाला है, शॉट देता है, उनके साथ जाता है, जिम जाता है, बस वो उसी धुन के अंदर है। आप सेट पे पहुँचेंगे उससे पहले वो पहुँचा हुआ है, 6 बजे का टाइम है, 5:30 ही पहुँचा हुआ है, उसकी ज़िंदगी से उधर ही लगी हुई है, तो धुन उसको कुछ है ही नहीं, यही काम बस। तो मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है बड़ी फोकस्ड है भाई, अपने काम को लेके, अपने उसके करियर को लेके दे आर वेरी फोकस्ड, वो सीखने को मिलता है इन लोगों से। एंड सर ये जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो लोग कहते हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, कल अब तक मैंने देखा कि जो है लोग फिल्म को देख कर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं जो हमारी सोसाइटी में वो फिल्म दिखाने की कोशिश की गई, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर जो बातें करते हैं कि फिल्म उन्होंने देखी नहीं, कुछ एक कट शायद देख लिया, कुछ अगर हो सकता है कुछ एक ऐसे सीन देख लिया और कहते हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं करनी थी, तो ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में हैं हर फिल्मों को लेकर आकर दिक्कत करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज आएगा आपका? ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, उन लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्या है, उन लोगों का काम यही, उनका धंधा यही है। उनका धंधा किस वजह से चलता है? इसी वजह से चलता है ना, उनका धंधा बंद करने का ढंग यही है कि उनकी तरफ ध्यान मत दो, अपने आप दुकान उनकी बंद हो जाएगी। उनका कुछ काम नहीं है, उनको फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर फिल्म से लेना देना होता तो फिल्म देखते ना वो, उनको फिल्म से लेना देना कुछ नहीं है, उनको यह है कि अपना ऑफिस बंद पड़ा है तो कोई कुछ उठा के कुछ ड्रामा करो ताकि ये ऑफिस चलता रहे, अपना अपने लौंडे खाली बैठे हैं, कहीं तो जाएं, कुछ तो तोड़ फोड़ करें, है ना,
खाली बैठे हैं यार, क्या करें, बड़े दिनों से कहीं तोड़ फोड़ नहीं की। अरे उधर कुछ थोड़ा देखो क्या, ट्रेलर में कुछ क्या हरा भरा झंडा दिख रहा था क्या, बस चलो चले कुछ काम पे लगाओ। अरे नहीं भाई वो तो यार अपने ही टाइप की फिल्म थी, अरे कुछ तोड़ फोड़ में कुछ बिजी तो रहे, ऐसा वाला काम है उनका, और कुछ काम धंधा नहीं है जी, है ना। तो इसलिए उधर जितना कम ध्यान दो उतना अच्छा है, अपने आप खाली हो गए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है वो लोग। हाँ सर, कल स्क्रीनिंग हमें देखने को मिली, बहुत सारे लोग आए, एंड सभी का ऐसा कहना है कि ऐसी फिल्मों को हिंदुस्तान जैसे देश में टैक्स फ्री की जाए। बिल्कुल टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मेरा तो ये मानना है कि ऐसी फिल्मों को, मुल्क जैसी फिल्मों को स्कूलों में दिखाना चाहिए। मुल्क जैसी फिल्म का क्या मैसेज है, आपने देखी है मुल्क? हाँ, मुल्क देखो, उस फिल्म का मैसेज क्या है। उस मुल्क का मैसेज जो है, सिंपल मैसेज है कि तुम मुसलमान हो मैं हिंदू हूँ, या मैं मुसलमान हूँ तुम हिंदू हो, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्यों दोष दे रहे हैं। तुम और मैं आपस में ही अगर ढंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, एक दूसरे को ढंग से पेश आए एक दूसरे के साथ ही, तो बातचीत ठीक हो जाएगी ना। एक दूसरे को गवर्नमेंट को ही दोष देते रहेंगे कि सरकार हमको भड़का रही है, वो हिंदुओं को भड़का देती है मुसलमानों के खिलाफ, वो मुसलमानों को भड़का देती है हिंदुओं के खिलाफ, सरकार को ही हम दोष देते रहेंगे। एक दूसरे के साथ अगर हम खुद ही अकलमंदी से अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा आपस में, हम तो ही रहते हैं ना मोहल्ले में साथ, है ना, एक मोहल्ले में तो हम दो ही रहते हैं साथ में। अब एक दूसरे के साथ हम खुद ही अपनी अकल से काम कर लेंगे, रहे हम ही रहे एक दूसरे के साथ 20 साल से, है ना, रहीम चाचा के साथ हम ही रह रहे हैं, राम भी वहीं रह रहा है, रहीम भी वहीं रह रहा है 20 साल से, उसके बच्चे भी जानते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ खुद ही अकल से काम कर लो, उसको क्यों बीच में ला रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिंपल सी बात है। मेरा तो मानना है ये मुल्क जैसी फिल्में या ये वाली फिल्म आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बच्चों को स्कूलों में दिखानी चाहिए, फ्री में दिखानी चाहिए, इसलिए टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें। जाते आते जो है कल भी जैसे कि स्क्रीनिंग हुई, अगर आपके किसी दोस्तों ने अगर फिल्म देखी और आपको मतलब आप कुछ ऐसा फीडबैक दिया या आपके कैरेक्टर के बारे में बताया, अगर कुछ आप बता सके कुछ फीडबैक, लोग क्या दे रहे हैं इस फिल्म को लेकर? मुझे तो देख के लोग सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप मतलब, क्योंकि इतने साल कॉमेडी वॉमेडी में देखते रहे ना, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं अरे भाई कमाल कर दिया आपने तो, मतलब ये इतना, मतलब आपको देख के ऐसे लग रहा था कि मतलब इतना गंदा काम भी आप कर सकते हैं, मतलब तो मैंने कहा भाई एक्टर है जैसे रोल है, लेकिन वही होता ना कि अब इतनी स्ट्रांग इमेज बन जाती है आपकी कि वो भाई हैप्पी गो लकी गाय, फनी गाय, अरे भाई प्यारे इंसान, लवेबल कैरेक्टर, स्वीट गाय, इसी तरह के रोल मिलते गए, हम भी इसी तरह के करते रहे, तो अभी उनको एकदम मुल्क में भी शॉक लगा कि अरे यार ये तो बड़ा इमोशनल कैरेक्टर कर दिया। अभी इसमें उनको बहुत लोगों को एकदम शॉक लगा, रहे यार आप नेगेटिव कैरेक्टर कैसे, मतलब तो बहुत ही शॉक, मतलब इन द गुड सेंस, कॉम्प्लीमेंट की तरह लोगों ने बहुत दिया कि यार भाई ये तो आपका, मैंने कहा थैंक यू यार बहुत अच्छी बात है, तो एक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट ही है कि मतलब एक्टर को तो वर्सेटाइल होना ही चाहिए, वही तो भगवान का शुक्र है कि ये अनुभव सिन्हा ने ये जो स्क्रिप्ट लिखी और मुझे इसमें कास्ट कर दिया, तो ये एक्टर को अपना दूसरा रूप भी दिखाने का मौका मिला, वरना शायद ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, लोग बोलते हाँ भाई थे कहाँ कॉमेडी टाइप का रोल करते थे, है ना, अब नहीं रहे हैं, तो बड़े अच्छे इंसान थे, है ना, अभी कम से कम ये तो होगा नहीं भाई कुछ वैरायटी वाले एक्टर थे, मतलब ये भी करते थे वो भी करते थे, तो एक्टर का तो यही ख्वाहिश होती है कि लोग उसे वर्सेटाइल एक्टर की तरह पहचाने, कि नहीं भाई एक्टर थे बड़े वर्सेटाइल थे, हर तरह के रोल किए उन्होंने। हाँ मैं मतलब हमको शायद अब हिम्मत करें कुछ और लोग भी कि नहीं भाई ये कॉमेडी के अलावा भी कुछ और कर सकता है, इसको देखो स्क्रिप्ट और दो। अभी जैसे मेरे पास एक दो स्क्रिप्ट आई, उसमें मेरे को मर्डरर किलर का रोल मिला, तो वहाँ ऑफर किया, हाँ बोले एक सीरियल किलर का रोल देना चाहते हैं, मैंने कहा अरे वाह भैया तो बड़े पीछे पड़े हुए थे वो,
तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर, मैंने कहा अरे यार ये तो नया चेंज आ गया, ये आर्टिकल 15 का किसी ने देखा ट्रेलर वगैरह, बोले आपसे एक सीरियल किलर का रोल करवाना चाहते हैं। मैंने वाह भाई वाह, हाँ तो मैंने कहा भाई ये तो नई बात है, तो मजेदार बात है, करते हैं भाई। हाँ भाई मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मैसेज क्या मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट कम से कम एक बार ये फिल्म ज़रूर देखिए। और मैं यही कहूँगा कि फिल्म आपको अच्छी लगेगी भाई, आप एक बार जाएंगे तो निराश नहीं लौटेंगे। प्लीज़ डू वॉच द फिल्म आर्टिकल 15। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।